अगर मैं आपको बोलूं कि आप कितने भी ऊपर से जंप करें आपके ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ेगा, और इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करने के बाद आपके केवल हेडशॉट लगेंगे, तो क्या आप मेरी बात पर भरोसा करेंगे? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दशा कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इस कैरेक्टर की एबिलिटी को टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इस कैरेक्टर का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं दशा कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। दशा कैरेक्टर के अंदर एक एबिलिटी नहीं बल्कि तीन तीन एबिलिटी हैं, और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि दशा कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। अब बात करते हैं इसकी एबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों के जो फॉल डैमेज है उसको 50% कम कर देता है। अब फॉल डैमेज क्या कहलाता है? देखिए, जब भी आप लोग किसी ऊंची जगह से जंप करते हैं तो आपकी जो HP है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लेकिन दशा कैरेक्टर की एबिलिटी के साथ ऐसा नहीं होगा। हम लोग दशा कैरेक्टर को प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा, जब भी आप लोग कहीं से जंप करेंगे तो जो बैठ करके उठने का एनिमेशन होता है वो ना के बराबर होगा, यानी कि 80% फास्टर रिकवर कर लेगा। उसके बाद जब भी आप किसी बंदे के ऊपर गन चलाएंगे तो उसका जो रिकॉइल होगा वो 10% से बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपकी गोलियां हैं वो एनिमी को ही लगने वाली हैं। तो इस कैरेक्टर के साथ आप लोगों के हेडशॉट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि इस कैरेक्टर की एबिलिटी को प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो रुको जरा, सबर तो करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं कितने ऊपर से जंप किया है, उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आया तो आप लोग लेफ्ट और राइट साइड में देख सकते हैं मेरी जो HP है बहुत ही कम हुई है, मतलब यानी कि ऑलमोस्ट 50% कम हुई है, जबकि मेरे लेफ्ट वाले जो कैरेक्टर है उसकी HP बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो फॉल डैमेज में ये वाला कैरेक्टर बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। आप लोग इस कैरेक्टर का यूज करके फुल मैप में रैंक पुश कर सकते हैं, किसी भी ऊंचे बोर्ड पर या किसी भी ऊंची जगह पर आप लोग जंप कर सकते हैं और वहीं पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। इस काम आगे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताएंगे तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, अभी आप लोग वीडियो को मत छोड़ना। उसके बाद बात करते हैं रिकॉइल के बारे में। इस कैरेक्टर के साथ आप लोगों के हेडशॉट बहुत तगड़े लगते हैं। आप लोग इस कैरेक्टर को एक बार यूज करके जरूर देखना। मैं इस कैरेक्टर का यूज करके बहुत तगड़े हेडशॉट लगा पाता हूं। मैं अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में दशा कैरेक्टर की एबिलिटी का जरूर यूज करता हूं। अभी तो मेरा हाथ बैठ चुका है तो मैं इस कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकता हूं। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आप लोग एक रसर हैं, आप लोग एक्टिव स्लॉट में रख सकते हैं स्काइलर कैरेक्टर को, दूसरे स्लॉट में रखें हयातो को, मैं तीसरे में रखें दशा को, और चौथे में रख सकते हैं कैली कैरेक्टर की एबिलिटी का। ये रसर के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर आप एक सर्वाइवल हैं तो उसमें आप लोग एक्टिव स्लॉट में रखें ये कैरेक्टर को, दूसरे में फॉयड, तीसरे में दशा, जो कि आप लोगों को ऊंची जगह पर जब भी आप लोग जंप करेंगे तो आप लोग जब वहां से जंप करेंगे तो आप लोगों को बहुत कम डैमेज पड़ेगा। और लास्ट वाले स्लॉट में आप लोग यूज कर सकते हैं कपेला कैरेक्टर की एबिलिटी का। कपेला कैरेक्टर आप लोगों को टोटल मिलने वाली HP को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। आई होप कि आप लोगों को दशा कैरेक्टर की एबिलिटी वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों से हेडशॉट लगाते नहीं बनता है तो लाइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप लोग इस तरह की और एबिलिटी वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।